खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। भाई यार ये बीच रोड पे क्या तुम ढाबा खोल के बैठे हो? रोड पे कौन चाय पीता है? वो भी ऐसा कौन पीता है मेरे भाई? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये वीडियो मेरे दोस्तों को मत भेजना ना, नहीं तो पूरी मंडली आ जाएंगी चाय पीने। हे गाइस कैसे हो आप सभी, मैं आ चुका हूं वापस से एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो आज हम वापस से देखने वाले कुछ फनी मीम्स, उस पर रिएक्ट करेंगे। तो वीडियो में एंड तक से जरूर से देखना, वीडियो में बड़ा ही मजा आने वाला है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे हो, फ्री का होता है, वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। जी के शो पे जाके ढस दिया, बग दिया, लेकिन मैं भूलता नहीं, बॉलीवुड एक्टरों के नीचे बनता है झूलता नहीं। हां जी ये फंस गया बेइज्जती है भाई। ये कौन सा डांस है, तुमको बंदरों की तरह कहीं को डांस करो जाके उधर। माना सलमान भाई तुम्हारे सामने खड़े, पर कुछ भी नाचोगे तुम, कुछ भी। इस दिन है ना, इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होगा इसलिए वो ऐसी दिख रही। तो फट गए कपड़े ऑलरेडी, फाड़ दिए आपने, फाड़े। आपका गाना सुन के तो नहीं फाड़े ना किसी ने? नहीं मेरा गाना सुनता ही नहीं है कोई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फसाना तुम्हारा है, तुमसे ना हो पाएगा, धन्यवाद। भाई साहब अभी मुझे समझ में आया कि आपका गाना कोई क्यों नहीं सुनता है। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते। मुंबई का या कुछ कहा तो मेरे को कहा आना है। एक तो तुम्हें गाना नहीं आता, ऊपर से एटीट्यूड, हाई लेवल एटीट्यूड। ओ भाई व्यक्ति अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है, उसको लगातार टिकट देना, तो क्या ये पार्टी की भी गलती नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है? ये देखिए इनसे बात करेंगे। हेलो भाई साहब, सबसे पहले बताइए कि मतलब ये पार्टी कैसा होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो मुर्गा और दारू रहना चाहिए पार्टी। भाई ये वही बंदे होते हैं जो इलेक्शन के एक दिन पहले दारू और पैसा ले लेते हैं। बादशाह ना जंग पे जा रहा था। अच्छा, तो उसने अपनी मलका को कमरे में बंद किया और अपने बहुत ही करीबी दोस्त को बुलाया और चाबियां दी कि अगर मैं 4 दिन बाद वापस ना हूं ना तो दरवाजा खोलना और मलका। ठीक है समझ गया। अभी बादशाह आधा घंटा भी नहीं हुआ था उसको जाते हुए, देखा उसने पीछे से घोड़े की आवाज आई, टक 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 टक। उसने देखा घबरा के कौन है, वही दोस्त वापस आया, करेगा भाई चाबियां तो सही देके जाओ। तुम कौन सही दोस्त है मेरे भाई, तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। उसके दोस्त भी बड़ा चालाक था, गलत चाबी देती थी उसको, भाई तू खोल खोल के दिखा। आई एम सॉरी बाबू। कम हो गया, लड्डू खा रहे कैसा लग रहा? मुझे नहीं पता, मैं खाना नहीं बनाती एक्चुअली, नहीं बनाती, लेकिन सिलेंडर के दाम से कोई फर्क नहीं है, मुझे नहीं पता। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो खाना कौन बनाता है? मेड, मेड बनाती है। तो सिलेंडर खरीद के कौन देता है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मेरा वो पाइप लगा हुआ है ना, गैस महंगा होने से कनेक्शन का दाम भी तो महंगा हो जाता है। सिलेंडर और ये वो महंगाई से कोई फर्क, दिमाग और टाइम नहीं वेस्ट करती। मैडम बोल रही है मैं अपना दिमाग और टाइम वेस्ट नहीं करती। मैडम आपके पास दिमाग है ही नहीं। दी में लड़का अपने साथ इतने सारे लोग क्यों ले जाता है बारात के रूप में? सेफ्टी के लिए। अच्छा सेफ्टी के लिए क्या मुसीबत घर ला रहा है इसलिए? ओ भाई साहब मैडम जी इतना भी सच नहीं बोलना था, मुसीबत घर ला रहे इसलिए। एक ऊंचा लंबा कुत्ता साड़ी गली विच सुता, एक ऊंचा लंबा कुत्ता साड़ी गली विच सुता, ए सारी राती भौ भौ करदानी, ए गवांडियां दी कुत्ती उते मरदानी। किसके किसके गली में बहुत सारे कुत्ते भाई, कमेंट्स में तुम भी रोके जाओ। जो रात में तुम्हें सोने नहीं देते हैं, रात भर चिल्लाते रहते हैं, रात भर भौं भौं करते रहते हैं। देखो अभी भी मेरे गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, तुमको कोई चुप करा दो यार ये कुत्तों।
साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसका भाव कितना? 70 रुपए। एक इंडी का 70 रुपया। ये किलो इसका 70 रुपए। एक किलो क्या करेंगे, ये तो लोहा है ना। इसे पका लेना, डॉक्टर ने क्या कहा है, बाबूजी के शरीर में आयरन कम है। ये कहाँ से लाए हो यार आप ये? और भी है सर। और भी है? नहीं ये तो सुनाना ही पड़ेगा, और भी सुनाओ। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा, अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। वाइफ वाइफ वाइफ, इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होना चाहिए? बस किससे पूछ रहे हैं? क्या मतलब, सलमान खान की शादी नहीं हुई तो नहीं पूछ सकते, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? गजब बेइज्जती है। शो शुरू हुआ था तो मुझे कहा गया था यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर आए हैं, उनमें से एक इंजीनियर है हमारी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या को पूछा गया कि 8 का टेबल बताओ। 8 का पहाड़ा टेबल। ऐश्वर्या ने कहा 8 1 8 8 1 8 8 2 32। अरे रुको जरा, आई शपथ, ये तो मुझे भी पता है। इसका 32 होता था भाई, क्या कर रहे हो? एक मिनट, तू इधर आ, इधर आ, हाँ बैठ इधर, हाँ चल मैं तुझसे एक टेबल पूछता हूँ। एट का पढ़ाता है तो 8 2 कितना होता है? 8 2 16 होता है। और 4 8 32 होता है ना? करेक्ट है। तो बड़ा हुआ क्या बनना चाहते? इंजीनियर। मत बन भाई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। प्रॉब्लम सॉल्व। एक तो को भी ऐसे एंग्जायटी चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसे सॉल्व करना है। तू भी ऐसे ही करना, ठीक है? ठीक है ठीक है। बाद में अगर मार पड़ी टीचर से तो मुझे मत बोलना, ठीक है? चलेगा। ओके अच्छा। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए बस इतना है, अगर वीडियो में जरा सा भी मजा आया होगा तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।